नमस्कार, आप देख रहे हैं केआर न्यूज़ और मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। केआर न्यूज़ में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज हम दलसिंह सराय के काली चौक पर स्थित एक फाइनेंस बैंक की डकैती के सिलसिले में यहां आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यह बैंक जो है कितनी दूरी पर है महज दलसिंह सराय थाना के। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि कैमरामैन कृपया सड़क की ओर दिखाए जहाँ दलसिंह सराय और समस्तीपुर को मुख्य पथ को जोड़ने वाली ये सड़क है। इसी सड़क पे महज 2-2.5 किलोमीटर के अंतराल पे दलसिंह सराय थाना है और एक यहाँ संज्ञान में आया है कि आज सुबह ही डकैती हुई है। लगभग 9 बजे डकैती की शुरुआत हुई थी और 9:10 तक यह सिलसिला पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया। हम जानते हैं और लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ, यहाँ विधायक भी पहुँच चुके हैं, प्रशासन पहुँच चुकी है, जानते हैं कि क्या माजरा था और कैसे यह घटना को अंजाम दिया। कि लूट दलसिंह सराय में जो हुई है ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी जिले के अंदर कई जगह पर जो है ना आपको बैंक का लूट हुआ और उसमें भी ज़्यादा टारगेट हो रहा है CSP सेंटर, समझे। अब उसके बारे में क्या है, प्रोसीज्योर में क्या है, कितने बजे खोलना है, कितने बजे बंद करना है, उसके काम के तरीके क्या हैं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतनी बात तो ज़रूर कहूँगा कि बैंक की लूट जो है आज उसकी संख्या बढ़ी है और ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। 9 बजे की घटना में 2 बात हो सकती है कि इसका मतलब है कि एकदम पूरा कोई लाइनर होगा कि किसी ने लाइन दिया और लूटने वालों को ये पता होगा कि यहाँ पैसे बैंक में जमा है, क्योंकि कोई बड़ा बैंक नहीं है, CSP सेंटर है तो। लेकिन कल कुछ जमा हुआ होगा और उसके वजह से जो है वो हुआ होगा। लेकिन इतनी तो तय है ना कि लूट अगर होती है, बैंक की लूट होती है या पर कहीं अपराध बढ़ता है, अपराधी बेखौफ घूमता है, ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा पुलिस जवाबदेही एकदम बिल्कुल पुलिस और प्रशासन की ये जवाबदेही बनती है कि अपराध को 0 टॉलरेंस पर लेकर के खड़ा करें। नीतीश जी कहते हैं कि अपराध की घटना पर हम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन रोज घटनाएं घट रही है। ये तो महज 2 किलोमीटर के अंदर में ही होगा थाना क्षेत्र से। बिल्कुल 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 वो हो रहा है, इसीलिए सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है अपराध को रोकने का। मैं सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, समझे। सरकार चाह लेगी तो आज को क्या है, शहाबुद्दीन जेल में बंद रहा, अनंत सिंह जेल में बंद है और ये सब क्या छुट भैया ने सब जो है कट्टा लेके घूमता है, ये सब घूम रहा है, घटनाएं करता है और घूमते रहता है। तो सर आपकी तफ्तीश में आपकी क्या योगदान रहेगी सर? नहीं, ज़रूर इसके बारे में हम सरकार के सामने ये बात रखेंगे, SP को भी हम अपनी बात अभी गाड़ी में बैठेंगे बताएंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो हाउस में उठाएंगे। जी धन्यवाद। ये बड़ा सा ग्रिल है जिस ग्रिल के पास ताले लगे हुए रहते हैं और बड़ी मजबूती से इसमें ताले लगाए जाते हैं, 2-3 तालों का पूरा सा जगह है, फिर भी अब आप देख सकते हैं कि इतनी मजबूती के बाद भी अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं कि उनको ये अनुभव नहीं हो पा रहा है कि हम पकड़े जाएंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। ये बैंक का परिसर है, मैं बताना चाहूँगा कि इस बैंक में जहाँ एक और वैष्णवी होमियो हॉल डॉक्टर का स्थान रखा गया है, वहीं दूसरी ओर देखेंगे कि अभी सारे दुकान बंद कर दिए गए हैं, पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है, इसीलिए ये बजरंग स्टूडियो है। यहाँ कैमरा, CCTV कैमरा होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि CCTV कैमरा होने के बावजूद भी अपराधियों में खौफ नाम का कोई चीज़ नहीं है। जब मैं आई थी तब सारे लोग बाहर ही थे एंड तब तक मैं रॉबरी हो चुकी थी एंड सारे कैश वो लोग वाउल्ट खोल कर ले गए हैं एंड इन लोगों को मारा पीटा भी गया है। एंड 5 लोग थे एंड 5ों के पास वो सबके पास वेपन्स था एंड फोर्सफुली वो लोग सारा कैश वगैरह लेकर चले गए।